Hey guys, welcome to my channel AB Rocks Teams. Europa League का मैच होने वाला है Marshall वर्सेस Lazio के बीच 1 घंटे 35 मिनट के बाद। तो गाइज आपको बता दूं कि सबसे पहले बात करूं, आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो आई होप, क्योंकि आपका फेस्टिवल है हमारे देश का, तो बस यही चाहता हूं कि भाई दिन अच्छा जाना चाहिए आप सबका। और चलो अब मैच पे आते हैं, तो बात करें, यह है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं आपको जरा ना नीचे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, कि आपको प्रॉब्लम ना हो, सो डोंट बी वरी, क्योंकि मैं अगर लिंक काम ना करे तो आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। बट बी अवेयर गाइस, बी अवेयर फ्रॉम फेक ग्रुप्स, आपने इसी चैनल पर जुड़ना है जिसमें 6.1K सब्सक्राइबर्स हैं, किसी अनदर चैनल पर मत जुड़ जाना मेरे नाम के, बिकॉज आपको ओरिजिनलिटी सिर्फ यहीं मिलेगी। तो ना आगे से बात करूं मैच की, तो यहां पर देखो Lazio टीम और MAR का जो मैच हुआ था वो हुआ था ड्रॉ, और लगभग ये दोनों जब भी टीम्स करती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक हाई स्कोरिंग मैच जाने वाला है फुटबॉल में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं पिछले मैच में। तो मैं तो 3 डिफेंडर के साथ गया था पिछले मैच में, पिछला मैच मेरा खास नहीं गया था 15 दिन पहले जो हुआ था, तो अब उसको थोड़ा सुधार करेंगे। तो बात करें गोलकीपर की, लोपेज, यहाँ पर देखो लोपेज या फिर एस मेंडेंडा जो भी खेला, यू हैव टू ट्राई दैट, बिकॉज मैं आपको यही राय दूंगा कि भाई कोई भी खेला देन MAR का गोलकीपर ही लेना। बात करें डिफेंडर्स की, देन मैंने एक ही साइड की डिफेंडिंग ली है Lazio टीम की, एक हाइसज एंड वन अनदर प्लेयर एसरबी, ये दोनों है कि मेन प्लेयर। हाइसज भी आपको लगभग सबकी टीम में दिखने वाला है, प्लस आपको एसरबी भी सबकी टीम में दिखने वाला है, इतना मैं आपको तय मतलब बिल्कुल कह सकता हूँ बिल्कुल। और आगे से बात करूँ एल फेलिप कुछ की प्लेयर है, 4 डिफेंडिंग में अगर एक आधी असिस्ट दिखाते तो ये आपको मतलब एज अ की प्लेयर बहुत काम आने वाला है। आगे से बात करूँ लजारी को यहाँ पे लूंगा, इसने भी पिछले मैच में 29 पॉइंट दिए थे, ये तो पिछले मैच में गोल तक करने लगा था, बट वो मैच है काफ़ी पुराना, वो है सितंबर का मैच, तो यहाँ पर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि काफ़ी पुराना, बट अब 1.5 महीना हो गया। तो आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, तो आपको एक राय देता हूँ यहाँ पर, 2 मिनट मैंने आपको एक चीज़ समझानी थी, 2 मिनट गाइस, सो वेट 2 मिनट्स, मैंने आपको एक चीज़ बतानी है। और मैं यहाँ पर एक प्लेयर है डी पैजर, तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, इसको छोड़ नहीं रहा मैं एक्चुअली, ये काफ़ी दिनों से खेल नहीं रहा, अगर ये आज वापसी करता है तो 100% ये मेरी टीम में आपको दिखेगा। आप ये मत समझना कि AB Rocks ने इस प्लेयर को छोड़ दिया, मैं तो इस बंदे को कैप्टन रखने को प्रेफर तक कर सकता हूँ। आप शायद मेरे को जानते नहीं कि मैं कितने बड़े बड़े रिस्क लेता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि रिस्क में ही सक्सेसफुल होता है। अगर आपको GL जीतनी है ना, और अगर सोचते हो कि SL कॉन्टेस्ट सारे जीतने हैं, तो भाई रिस्क ले लिया करो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिना सोचे समझे, सोच के लो। तो पैयट अभी मैं लूँगा ज़रूर अगर खेला, और एस मिलिनकोविक की बात करूँ तो ये 16 सितंबर के मैच में नहीं था, लेकिन उसके बाद जितने भी मैचेस हुए उसमें था, तो सो डोंट बी वरी, ये खेलेगा। एंड आगे से बात करें मेन की प्लेयर्स की, देन यहाँ पे मेरा पहला की प्लेयर है मैटियो अपनी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है MAR का, सबसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूँगा बट टॉप 5 में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही में आते हैं। एंड सेकंड बात अगर करूँ वो इसलिए क्योंकि गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर, मैंने चीज़ क्या नोटिस की कि मैटियो को जब भी मैंने खेलते देखा है, देन इसने उस मैच में असिस्ट या गोल किया ही है, और जब भी हाई स्कोरिंग मैच होता है, हाई स्कोरिंग मैच के अंदर मैटियो ने लगभग गोल किए ही हैं, एक के बजाय 2 गोल भी किए, देन मैटियो की सिलेक्शन है कम काम आ सकता है, अच्छा है ना। आगे से बात करें रॉन्जियर है मतलब असिस्ट के लिए बढ़िया, एक प्लेयर ना यहाँ पे ऐड हुआ है जिसका नाम है पी लिरोला एक डिफेंडर है गाइस, इन्होंने आज मिडफील्डिंग में डाल दिया, मेरे को समझ नहीं आ रही क्यों किया ऐसा, क्योंकि इन्होंने चेंज तो किया है, मैं आपको बता रहा था ना पिछली बार से कुछ बदलाव तो हुए हैं। और आगे से बात करें इमोबाइल है पेनल्टी टेकर प्लस स्ट्राइकर, एंड इन ऐसी टीम्स के खिलाफ भी अच्छा चलता है, बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ। एंड वन अनदर प्लेयर की बात करूँ अंडर ने काफ़ी गोल्स किए, लास्ट मैच में भी गोल किया था। और आगे से बात करूँ पेड्रो की, देन पेड्रो को भी लेना, क्योंकि मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि एंडरसन के साथ जाओ, पेड्रो अच्छी फॉर्म में है। एक प्लेयर है यहाँ पर बैम्बा डियांग एंड वन अनदर प्लेयर केडिला फोंटे अंडर 23 या 21 में बहुत टाइम खेला है, तो एक्सपीरियंस तगड़ा है इस प्लेयर को। एंड एंडरसन की बात करूँ, एंडरसन भी बहुत खेला है अंडर्स मैचेस में, तो इनको एक इंटरनेशनल एक डोमेस्टिक लेवल में ऐसे मौका मिले जैसे क्रिकेट में IPL में मिलता है, वैसे ही फुटबॉल के अंदर इस लीग के अंदर मौका मिले तो अच्छा वेल परफॉर्म कर सकते हैं, बट अपन लोग ले नहीं सकते क्योंकि हमने इसमें एक्सपीरियंस देखना है और टैलेंट भी, तो प्लीज़ आप वो समझो। बात करें कैप्टन की, इमोबाइल है मेरा कैप्टन, वाइस कैप्टन है एस मिलिनकोविक, वाइस कैप्टन चाहो तो अंडर को ट्राई कर सकते हो, बट मैं इतना बड़ा रिस्क लेने को कहूँगा नहीं, कर सकते हो लेकिन मैं कह नहीं रहा, इसका मतलब है आपके ऊपर डिपेंड करता है, इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले इन GL देन यू कैन ट्राई, अगर आप 20 टीम या 12 टीम कुछ भी लगा रहे हो तो उसमें एक आधी अगर टीम में ट्राई करोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।